हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से पता लग गया होगा कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि यूट्यूब से आपकी अर्निंग तभी होती है जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है। और चैनल को मोनेटाइज होने के लिए आपके चैनल पे यूट्यूब की जो क्राइटेरिया है मोनेटाइजेशन का, वो फुलफिल होना चाहिए। मतलब आपके चैनल पे 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होना चाहिए। उसके बाद ही आपका चैनल रिव्यू में जाता है और वहाँ से आपका चैनल मोनेटाइज होता है और आपके चैनल की जो वीडियोस हैं उनके ऊपर एड चलती हैं और उससे आपकी अर्निंग होती है। अब यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं कि अगर आपका जो चैनल का कंटेंट है वो आपका खुद का क्रिएटेड किया हुआ है, यूट्यूब की गाइडलाइंस को फॉलो करता है, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा, वरना आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आपने कहीं और से कॉपीराइट कंटेंट यूज़ किया या किसी और का कंटेंट डाला है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में चाहे आपका 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा हो गया हो, तब भी वो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब भी आपको अपने चैनल को मोनेटाइजेशन में भेजना है, उससे पहले जो आपका 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है, साथ साथ आपका जो कंटेंट है उस पर कोई भी कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, तभी आपका चैनल और यूट्यूब की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, तभी वो चैनल आपका मोनेटाइज होगा। अगर आपके चैनल पे 1,000 सब्सक्राइबर पूरे हैं पर 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं है, तब भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। या फिर आपके पास 4,000 घंटे वॉच टाइम जो है वो पूरा हो चुका है लेकिन आपके 1,000 सब्सक्राइबर नहीं है, तब भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है या डर भी रहता है कि अगर 1 साल जो 365 दिन हैं उनके अंदर अगर हमारा जो चैनल है उसके ऊपर 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं होता तो क्या होगा, क्या हमें फिर से शुरू से स्टार्ट करना होगा या 1 साल फिर से वेट करना होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर 1 साल के बाद भी आपके चैनल मोनेटाइज नहीं होता, आपके चैनल पे 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं होता तो क्या होगा, आपको क्या करना है, कितना वेट करना है, वो सारा मैं इस वीडियो में डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं ले आया हूँ आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैंने इसे एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में बना रखा है आपको समझाने के लिए पूरी डिटेल में। तो शुरू करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए क्या है, आपको 1 साल के अंदर मतलब 365 दिन के अंदर आपको 1,000 सब्सक्राइबर्स, ये जो 1,000 सब्सक्राइबर्स हैं और 4,000 घंटे का वॉच टाइम है वो कंप्लीट करना होता है अपने चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए। तो मैं आपको एग्जांपल देके डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल, जैसे आपने स्टार्ट वीडियो अपलोडिंग 4 फरवरी 2019, ठीक है, मान लेते हैं कि आपने उस पे 4 फरवरी 2019 को वीडियो डालनी शुरू करी और आपने जो अप्लाई किया मोनेटाइजेशन के लिए वो 4 फरवरी 2020 को किया, मतलब पूरे 1 साल बाद, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 1,000 सब्सक्राइबर्स और 4,000 घंटे का वो आपने पूरा कर लिया है, या वो क्राइटेरिया आपका पूरा नहीं हुआ। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला है योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ फुलफिल्ड, मतलब आपके 4,000 घंटे जो वॉच आवर हैं और 1,000 सब्सक्राइबर हैं वो आपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस केस में क्या होगा कि अगर ऑल थिंग्स आर ओके, योर चैनल विल बी मोनेटाइज। तो जब आप अपने चैनल को रिव्यू के लिए भेजेंगे तो वहाँ अगर आपका चैनल आपका खुद का क्रिएटेड कंटेंट होगा, उसमें यूट्यूब गाइडलाइंस को फॉलो करता होगा, सारी चीज़ें उसमें सही होंगी, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा होता है कि अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल ना हो तो क्या होगा। तो इन दिस केस देयर आर कन्फ्यूजन और फियर फॉर अनदर 1 ईयर वेट, मतलब आपको अनदर 1 साल के लिए वेट करने का आपको कन्फ्यूजन होता है, आपको डर लगता है कि अब मुझे 1 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा तब मैं अप्लाई कर पाऊंगा। तो मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि आपको 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू हैव टू कम्प्लीट दिस क्राइटेरिया इन 1 ईयर जस्ट बिफोर अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन,
मोनेटाइजेशन में अप्लाई करने से एक साल पहले का जो डाटा है आपका, उसमें अगर आपने 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 वॉच आवर्स जो आपका वॉच टाइम है उसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, तो केवल वही काउंट होता है। इसको भी एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ आपको। तो मान लेते हैं आपने वीडियो स्टार्ट करी अपलोड करनी 4 फरवरी 2019 को, और आपने एक साल बाद 4 फरवरी 2020 को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, पर आपके 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आपने क्या किया? अब आप 10 जुलाई 2020 को आपने दोबारा अप्लाई किया, ठीक है, जब आपके 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, उसके बाद आपने अप्लाई किया। तो अब YouTube क्या करेगा? YouTube जो आपके चैनल को रिव्यू करेगा, वो करेगा 10 जुलाई 2019 से 10 जुलाई 2020, मतलब जिस दिन आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, उसके पिछले एक साल में वो देखेगा कि आपके 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो उस एक साल में पूरा हुआ है या नहीं, क्योंकि आपने जो स्टार्ट करा 4 फरवरी 2019 से, वो वहाँ से काउंट नहीं करेगा, वो करेगा 10 जुलाई 2019 से 10 जुलाई 2020 तक, मतलब उस डाटा को जो आपने मोनेटाइजेशन में अप्लाई करने से पहले जो आपका लास्ट ईयर बचता है, 365 दिन बचते हैं, उसको वो चेक करेगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए आपको एक साल में अगर नहीं होता है, तो अगर आपका 2 महीने बाद हो जाते हैं वो क्राइटेरिया पूरा, तो वो 2 महीने और लास्ट के जो 10 महीने बचते हैं वो टोटल 12 महीने आपके उसे ही काउंट करेगा, मतलब जिस दिन आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे उससे पिछला एक साल वो काउंट करेगा, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आपने उससे 2 साल पहले वीडियो बनाई है या 3 साल। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता लग गया होगा कि अगर एक साल में भी आपके 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो पूरा नहीं होता, तो आपको कितना वेट करना पड़ेगा और आपको कहाँ से शुरू करना है। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।